कि दुनिया के सारे देशों में, अधिकतर देशों में, चाहे वो एडवांस कंट्री हैं, वो भी बैलेट पेपर का यूज करते हैं। तो अगर वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ पे वो करते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हो? हम ये चाहते हैं कि ईवीएम जो इलेक्शन प्रोसेस है वो ईमानदारी से हो, ट्रांसपेरेंसी से हो। चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो एक सिस्टम डेमोक्रेसी का आपने बनाया, उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आपको डेमोक्रेसी, ईमानदारी चाहिए या आपको डिक्टेटरशिप चाहिए? जब हम कह रहे हैं हमें इस गवर्नमेंट के जो टॉप है इनकी इंटीग्रिटी पे डाउट है, इनकी ऑनेस्टी पे डाउट है, मैं हम कह रहा हूँ जिन पे अगर हमें डाउट है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता है कि ये ईवीएम बनाने वाली मशीन जो कंपनी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उसके चार डायरेक्टर बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कि देश के धन्ना सेठों के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कि उनके 25 लाख करोड़ के लोन्स माफ कर दिए गए। जब बड़े बड़े बिजनेसमैनों के लोन्स माफ कर सकते हैं, तो गरीब किसान के वो कह रहे हैं कि हमारे लोन को माफ कर दीजिए, तो गरीब किसान के जो लोन माफ कर दीजिए, उनको MSP दे दीजिए। गरीब को आप देने में आपको क्यों दिक्कत है? सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। तरीके जैसे आपने चंडीगढ़ का चुनाव देख लिया, उसमें ये क्या कर रहे थे, उन्होंने अपने ही बंदे को नेता वो बना दिया, उसका अध्यक्ष बना दिया, और उसी को, और उसने क्या किया कि 8 को क्रॉस करके और उनको जिता दिया, अपनी पार्टी को जिता दिया। तो इस तरीके से छल कपट हो रहा है, ये छल कपट बोलते हैं, सही है। लोकतंत्र को ये खत्म कर देना चाहते हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया और वो कैमरे में आ गया, तो पकड़ में आ गया। अगर ये ईवीएम से होता तो ये भी चला गया होता, इसका भी पता नहीं चलता। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि बैलेट से होना चाहिए। बैलेट से होने का फायदा क्या-क्या होगा, ये बताइए। बैलेट से होने का फायदा मैडम, अगर जैसे बैलेट से यहाँ पे चंडीगढ़ में चुनाव हुआ तो कैमरे में कैच हो गया, और बैलेट में अगर कोई बूथ को लूटेगा तो पता लग जाता है। अगर ईवीएम से कोई हैकिंग कर रहा है, आपको कैसे पता लगेगा? कंप्यूटर में बड़े बड़े हैकर बैठे हुए हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा, हैकिंग भी हो गई और आपने डेमोक्रेसी के साथ कांड कर दिया, ठीक है, डेमोक्रेसी को आपने खत्म कर दिया। फिजिकल वोट होगा तो वो स्टोर करके रखे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में याचिका, अगर किसी ने उसको लूटा तो वो उसको दोबारा रिकाउंटिंग हो सकती है, उसका पता लगेगा किसी ने लूटा है, उस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में दोबारा रिकाउंटिंग हो सकती है, लेकिन ईवीएम में नहीं हो सकता। दूसरा डाटा ये है कि दुनिया के सारे देशों में, अधिकतर देशों में, चाहे वो एडवांस कंट्री हैं, वो भी बैलेट पेपर का यूज करते हैं। तो अगर वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वहां पे वो करते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हो? और आपने अपोजिशन आपसे कई टाइम से इंडिया गठबंधन मिलना चाह रहा है इलेक्शन कमीशन से, लेकिन उससे मिलने का टाइम नहीं दे रहे। या तो आप उसमें सुधार करिए ईवीएम में, अगर आप ईवीएम से नहीं गए तो वो कह रहे हैं कि ईवीएम से पर्ची वोटर के हाथ में दीजिए, वोटर उसको एक दूसरे बॉक्स में डालेगा, उसकी भी काउंटिंग हो, इसकी भी काउंटिंग हो। हम ये चाहते हैं कि ईवीएम जो इलेक्शन प्रोसेस है वो ईमानदारी से हो, ट्रांसपेरेंसी से हो। चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो एक सिस्टम डेमोक्रेसी का आपने बनाया, उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आपने बताया कि डेवलप्ड कंट्री जो है, वो भी बड़ी बड़ी कंट्री, वो भी जो है ईवीएम से चुनाव करते हैं। हाँ जी, आपको पता है ईवीएम से चुनाव बैलेट पेपर से चुनाव, आपको पता है ईवीएम से चुनाव होने की तो बड़ी वजह हिंदुस्तान में क्या है? एक, कम पैसा उसमें खर्च हो इसलिए, दूसरा इतनी बड़ी तादाद काउंट करने में आसान। आपके कहने का, जो पहले जब हो रहा था तो क्या हो गया था? पहले भी तो हो रहे थे, काउंटिंग तो पहले भी होती थी। तो आपको डेमोक्रेसी चाहिए या आपको फासिज्म चाहिए? आपको डेमोक्रेसी, ईमानदारी चाहिए या आपको डिक्टेटरशिप चाहिए? जब हम कह रहे हैं हमें इस गवर्नमेंट के जो टॉप है इनकी इंटीग्रिटी पे डाउट है, इनकी ऑनेस्टी पे डाउट है, मैं हम कह रहा हूँ जिन पे अगर हमें डाउट है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता है कि ये ईवीएम बनाने वाली मशीन जो कंपनी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उसके चार डायरेक्टर बीजेपी से जुड़े हुए हैं, क्यों आप उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से ट्रांसपेरेंट और ईमानदारी से चुनाव होगा? आप मुझे बताइए, ये लॉजिक से क्या सोर्स होता है कि अगर वो, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी पावर है, इतना रिसोर्सेज है, वो ये चीजें कर सकते हो। अगर आप उसको बैलेट से कराएंगे, उसको स्टोर किया जाएगा, अगर कहीं पे डाउट होगा तो उसको दोबारा काउंटिंग करा जा सकता है, ठीक है सर। तो ये बैलेट कराने का फायदा है। अगर एडवांस कंट्री कर रही है तो उसका भी कोई लॉजिक होगा, वहां पे ये सारी चीजें हुई है, गड़बड़ हुई है, तभी उन्होंने इसको हटा दिया है। और सुनिए बात, सिटीजन ग्रुप, एक सिटीजन, प्रोमिनेंट सिटीजन का ग्रुप है हमारे देश में, उन्होंने उसमें, आप, मैं तो, मेरा दिमाग एक सीमित है, आपका दिमाग भी एक सीमित, उसमें सारे देश के ब्यूरोक्रेट, बीटेक इंजीनियर वगैरह, अच्छे टॉप ब्रेन माइंडेड इंटेलेक्चुअल पीपल उसमें बड़े, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये सारी रिकमेंडेशन दी हुई है। तो आप क्या उनको, आप क्या समझ रहे हैं कि उनका दिमाग बेकार है? CNRC में गवर्नमेंट क्या है कि तानाशाही तरीके से बिल बनाया और अपोजिशन को कोई कंसल्ट नहीं किया और बिल थोप दिया, उसके बाद प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, कोर्ट में केस किया और वो होल्ड पे चला गया CRNS, ठीक है सर, होल्ड पे चला गया, ये आपको पता होगा कोर्ट का डिसीजन। दूसरी बात, किसानों का जो आप कह रहे हो, किसानों में भी, किसानों के लिए जो 3 कानून लाए गए उसमें भी अपोजिशन से कंसल्ट नहीं किया गया,
और एक तानाशाही तरीके से एक कानून लेकर आ गए और किसानों पे थोप दिया। किसानों ने उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया और उसके बाद वो तीन सुप्रीम कोर्ट में केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी होल्ड पे डाल दिया। होल्ड पे नहीं, अभी आप बस सुनो, आप कह रहे थे ना ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड में डाल दिया और आज और उस समय बात हुई थी कि दो साल बाद सर तीनों कानून को होल्ड पे डाल दिया पर तीन जो तीन हाँ वापिस ले ली थे ना, मतलब हो गया ना, मतलब आप क्या कर रहे हो कि आप कह रहे हो कि जो मेरे पास मेजोरिटी है मैं किसी से पूछ का एक वादा किया था जो नहीं दिया और अभी सरकार परेशान है। सरकार अभी अपनी तमाम मीटिंग किसान आंदोलन को कोई कोशिश हो रहा है सब भी बातें रख रही है लेकिन ये नहीं मान रहे कि मैं वैसे भी आपको क्यों लगता है आपको मुझे ये लगता है मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि देश के धन्ना सेठों के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है कि उनके 25 लाख करोड़ के लोन्स माफ कर दिए गए। तो जब आप बड़े बड़े बिजनेस जब बड़े बड़े बिजनेसमैनों के लोन्स माफ कर सकते हैं तो गरीब किसान के वो कह रहे हैं कि हमारे लोन को माफ कर दीजिए, तो गरीब किसान के जो लोन माफ कर दीजिए उनको MSP दे दीजिए। गरीब को आप देने में आपको क्यों दिक्कत है, गरीबों को पैसा देने में क्यों दिक्कत है? अंबानी और अदानी तो 500 करोड़ की एक एक शादी में खर्च कर देते हैं, ठीक है, उनके पास अथा पैसा, उनपे टैक्स लगाइए, एक्स्ट्रा टैक्स लगाइए और उसको लेके इनको डाइवर्ट इनको दीजिए गरीब को। आपको पता है कि अदानी की वेल्थ कितनी बढ़ गई है इस देश में, कभी इनको दो नंबर पे भी आ गया था, मुझे लगता है आपको भी पता होगा, है ना। तो जब एक दो बंदों के पास इतनी वेल्थ आ गई है तो उनसे लीजिए ना, उनसे वो वेल्थ निकालिए और समाज में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है सर। और बाकी आपने तो आपके पास तो हजारों तरीके, आप तो इतने सारे घोटाले हो रहे हैं ये सब, तो आप सरकार का ये एक्सक्यूज है, आप किसानों को आप किसान समाज सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो कमजोर के बारे में सोचे, उनका कर्तव्य ये नहीं बनता कि अदानी और अंबानी के बारे में सोचे, वो तो खुद ही कर लेंगे जो उनके पास। किस तरीके से आज आंदोलन हुआ चार दीवारी के अंदर, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ, क्या लग रहा है कि 2024 में आप प्रभाव डाल पाएंगे क्योंकि चार दीवारी के अंदर आंदोलन हो रहे हैं, सरकार तो सुनने का नाम ही नहीं ले रही। नहीं नहीं मैडम, तानाशाही को केले, देखो हिटलर भी तानाशाह था, ठीक है, सुनो आंदोलन चल जाएंगे क्या, आप मेरी बात सुनो, आज तो बाहर जाएंगे गोली चलाएंगे ये चलेंगे, चल रहे हैं ना, कर रहे हैं हम शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं काम को, तो क्या करें, आप क्या कहते हैं कि हम उनसे लड़े और उनको गोली चलाएं और ये चलाएं, तो हम जो एक नॉन वायलेंस तरीके से आंदोलन को चलाना चाहते हैं, लोगों को अपना मैसेज दे रहे हैं कि इस देश में तानाशाही बढ़ रही है और लोगों की आवाजों को दबाया जा रहा है और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो ये चीजें धीरे धीरे जनता को पता लग रही है, सबके पास पहुंच रही है, आप जैसे लोगों के थ्रू भी ये पहुंचेगी, तो ये सब धीरे धीरे जनता जाग चुकी होगी। जैसे अंग्रेजों को भगाने में इस देश में 85 साल लग गए थे, उन्होंने भी बहुत तानाशाही की थी, 85 में कांग्रेस बन गई थी और 47 में वो छोड़ के चले गए थे, तो आपका क्या 62 साल लगे थे, तो ऐसे ही इनको भी भगाने में थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा।